फ्रेंड्स एंड द किंग इज बैक। दोस्तों मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ द किंग ऑफ ऑल कार्स विच इज़ गिवन अमेजिंग सेल्स। वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन दी हुंडई क्रेटा एस वेरियंट जो आज हमारे पास आई है टू गेट इट सेल्फ द बेस्ट इन क्लास एक्सेसरीज। दोस्तों इस गाड़ी के अंदर मैं जो अभी आपको एक्सेसरीज बताने वाला हूँ, इट इज़ नॉट ओनली फॉर योर क्रेटा एस वेरियंट, चाहे वो आपकी ई मॉडल रहो, ई एक्स रहो, एस रहो, एस एक्स रहो, दीज आर एक्सेसरीज जो आपके हर एक वेरियंट में प्लान कर सकते हो। ये जो कस्टमर आए थे जो हमारे पास करीमनगर से आए हैं विच इज़ अ फार अवे प्लेस इन वन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना इट सेल्फ, वहाँ पर से ही वॉज अ प्रॉपर ऑडियो फाइल, मतलब उनको जो म्यूज़िक की क्लैरिटी चाहिए थी ही डिडंट वॉन्ट टू कॉम्प्रोमाइज़ अ सिंगल परसेंट ओवर देयर। तो आइए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ हमने इस गाड़ी के अंदर किस टाइप के अपग्रेड्स करे हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे हमने डोर्स के अंदर जो कंपनी के स्पीकर्स आते हैं उसे निकाल के दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम एवर द टेक्सचर्ड कोनिंग। अगर आप इसके अंदर ध्यान से देखोगे तो ये जो कोनिंग का जो डिज़ाइन है इट इज़ नॉट अ रेगुलर कोन, दिस इज़ अ टेक्सचर्ड कोन स्पीकर जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करा है। द वन विच वी हैव इंस्टॉल्ड इन दिस कार इज़ नन अदर देन द हर्ट्ज कॉम्पोनेंट्स इन द फ्रंट। दोस्तों दिस इज़ वन ऑफ द हाइएस्ट रेटेड अमेजिंग एक्सपीरियंस डिलीवरिंग स्पीकर जो आज तक आप लोग ने मतलब देखा होगा। भाई आज ये जो स्पीकर है दिस इज़ अ 100 वॉट कंटिन्यूस आउटपुट स्पीकर। नेवर लुक फॉर द पीक पावर फ्रेंड्स, आई कीप सेइंग इन ऑल माय वीडियोस। 300 वॉट ये भी जो कंपनी लिखी है इज़ एक्चुअली ब्लफ, दिस इज़ जस्ट टू बूस्ट अप द सेल्स। भाई देर आर फ्यू ब्रांड्स जो 300, 350, 400, 500 भी लिख के दे देते हैं, बट दैट इज़ जस्ट द पीक पावर जो कभी ज़िंदगी में नहीं प्ले होता है। ऑल यू हैव टू ऑलवेज लुक आउट इज़ द कंटिन्यूस पावर और द RMS रेटिंग जो स्पीकर के डब्बे पे आता है। तो इसके अंदर हमने जो दिया है दिस इज़ अ 100 वॉट RMS स्पीकर विद अ प्रॉपर ट्वीटर जो इसके ओरिजिनल प्रोविजन में ही हमने बिठाया है, एंड दीज टू आर कनेक्टेड थ्रू दिस अमेजिंग क्रॉस ओवर ओवर हियर, दिस इज़ एन एक्टिव क्रॉस ओवर। तो इसका जो साउंड आउटपुट आपको डिस्ट्रीब्यूट करके जो बेस स्पीकर में देगा जो ट्रेबल ट्वीटर में देगा, ओ भाई साहब मज़ा नेक्स्ट लेवल आता है, अमेजिंग रहता है। इसके अलावा हमने इसके पीछे डोर में बिना यू नो कंपोनेंट्स डाले, हमने इसके पीछे डोर में डाले है सेम इसी हर्ट्ज के कोएक्सियल स्पीकर्स। कोएक्सियल मतलब स्पीकर में ही इनबिल्ट ट्वीटर आएगा। हमने उसी सेम सेंटो सीरीज का डाला है विच इज़ 70 वॉट्स कंटिन्यूस आउटपुट। इट इज़ ट्रस्ट मी गाइस, आज अगर आप कोई भी ब्रांड से इसे कंपेयर करो, लेट इट बी सोनी, पाइनियर, केनवुड, लेट इट बी JBL और इन्फिनिटी, ये जो प्राइसिंग के अंदर 100 वॉट्स और 70 वॉट्स का जो कॉम्बिनेशन है आज इट इज़ अनबीटेबल। आज कोई ब्रांड इसे मैच नहीं कर सकता है। ये दोनों मिलाकर आपको एक MRP ऑफ अराउंड 27,000 में आते हैं। दोनों मिलाकर सामने कॉम्पोनेंट्स एंड पीछे कोएक्सियल, जो आज कोई ब्रांड दूर दूर भी इसके यू नो कॉम्पिटिशन में नहीं आता है। बट बिकॉज मैंने आपको पहले कहा था दिस इज़ अ क्रेटा एस वेरिएंट, इसके अंदर जो सिस्टम है कंपनी का स्टॉक सिस्टम आता है। तो ये जो कंपनी का सिस्टम है इट इज़ अ वेरी बेसिक, वेरी ऑर्डिनरी एंड लाउजी सिस्टम। तो हमने इस सिस्टम को बिना चेंज करे ये जो 4 स्पीकर्स है उसे कनेक्शन दिया है बाई दिस अमेजिंग 4-चैनल एम्प बाई JBL। तो ये जो 4-चैनल एम्प है हमने इसे ब्रिज करा है, 2-चैनल स्पीकर्स को दिए है, द अदर 2 चैनल हमने इसके जो डिक्की के अंदर एक प्रॉपर सब वूफर लगाया है उसे बेसिकली कनेक्शन दिया है। दिस इज़ द सब वूफर जो हमने इस गाड़ी के अंदर इंसर्ट करा है, दिस इज़ बाय पोल्क ऑडियो, सबसे डायनामिक बैलेंस वूफर है भाई, DB सीरीज़ का है जो सबसे हाईएस्ट कैटेगरी आता है पोल्क में, जो बेस ये जो हिट करता है इट इज़ अ क्लास दोस्तों। प्लस आप साइज़ भी देख सकते हो, इट इज़ नॉट वेरी ह्यूज, ये आपको कोने में डिक्की में चले जाएगा एंड यू कैन सी दैट आपको पता ही नहीं चलेगा, इट इज़ अ वेरी यू नो स्लीक मॉडल काइंड ऑफ अ फिटमेंट। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो एस वेरिएंट है द काइंड ऑफ स्पीकर्स इट हैज़ कम आउट विद, जस्ट लुक एट दी स्पीकर्स दोस्तों, इतने ज़्यादा हल्के हैं, मेरे हिसाब से 50 ग्राम मुश्किल से इसका वेट होगा। इट इज़ नॉट इवन अ फ्रीकिंग 6 इंच स्पीकर फ्रेंड्स, मतलब इतनी महंगी गाड़ी इतना सब देता है, इट इज़ गिविंग यू अ बेसिक 4-5 इंच स्पीकर, नो ट्वीटर प्रोविजन इन इट, नथिंग, एंड पेपर कोनिंग स्पीकर्स है।
पीछे जो मैग्नेट भी है, कोई मम्मी नहीं है, कोई पापा नहीं है, कोई ब्रांड ही नहीं है। तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट भी है गाड़ी के अंदर, आप सोच सकते हो कितना पैथेटिक था रहा पहले। बट हमारा ये जो अपग्रेड हुआ है उसके बाद इसकी जो साउंड क्लैरिटी एनहेंस होगी भाई, यू वुड लव इट व्हेन आई मेक यू हियर देम। आइए गाड़ी के अंदर मैं आपको एक डेमो सुनाता हूँ ऑफ दिस अमेजिंग बैलेंस्ड वोकल एंड बैलेंस्ड बेस। कम इन द कार फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो कि मैंने अभी बस एक ब्लूटूथ के थ्रू कुछ बजाना है आप लोग के लिए। दिस इज अ वेरी रेगुलर म्यूजिक विच आई एम प्लेइंग, जस्ट अ स्पीकर टेस्ट म्यूजिक। आप खाली इसके वोकल सुनिए दोस्तों, मतलब ये जो वोकल्स सराउंडिंग दे रहा है, आई कैन हियर अ डिफरेंट बीट फ्रॉम डाउन, अ डिफरेंट बीट फ्रॉम टॉप। मस्त म्यूजिक आ रही है। एंड जो ये वोकल्स और बेस, फ्रैंकली स्पीकिंग, जो दोनों एम्पायर हो रहे हैं फ्रेंड, मुझे पता नहीं है ये माइक मेरा किस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा है म्यूजिक, बट मैं जो भी सुन रहा हूँ, ओ भाई नेक्स्ट लेवल पे इफेक्ट है, अमेजिंग। आइए अंदर एक बार ऊपर देखते, गाड़ी के अंदर आइए, पीछे डिक्की में चलिए। दिखेगा बट आई कैन एक्चुअली फील द बेस एंड द पंच वेरी हाई फ्रेंड्स ओवर हियर। तो ये तो आपने देखा एक लाइव टेस्ट ऑफ हाउ दिस म्यूजिक ऑफ दिस कार हैज बीन अपग्रेडेड। छोटे छोटे आइटम्स हमने इस गाड़ी के अंदर जो इंस्टॉल करे, जो गाड़ी का एक लुक नेक्स्ट लेवल पे अपग्रेड हुआ है, इज सबसे पहले आप सामने की तरफ देखिए दिस अमेजिंग फ्रंट बम्पर ओवर हियर, जो ग्लॉसी ब्लैक एंड ग्लॉसी रेड फिनिश में आता है। हेडलाइट के अंदर बल्ब चेंज करे गए हैं, कम क्लोजर, हमने इसके प्रोजेक्टर्स वैसे ही रखे हैं, बल्ब इसमें निकाल के जेनार्क लाइट्स डाले हैं, जो 200% ज़्यादा रोशनी और 50 मीटर रिटर्न गारंटी देता है फोकस की। फॉग लाइट में भी LED लाइट्स डाला है, जो प्लग एंड प्ले सॉकेट टू सॉकेट रहता है। क्रीज तेल LEDs है, तो लोअर ग्राउंड क्लियरेंस अमेजिंग नेक्स्ट लेवल पर होता है। छोटे छोटे क्रोम आइटम्स डाले गए हैं हेडलाइट्स के बॉर्डर में। इसके अलावा साइड एंगल से आप अगर देखोगे, सेम फ्रंट एंड बैक का थीम कंटिन्यू करते हुए हमने सबसे पहले इसके एलॉयज अपग्रेड करे हैं टू अ प्रॉपर ब्लैक एंड अपर रेड लिप कट। मतलब नॉर्मली एलॉयज आप देखते होंगे अंडर रेड लिप रहते हैं, ये फर्स्ट टाइम अपर रेड लिप एलॉयज आए हैं इन प्रॉपर ब्लैक फिनिश इन द सेंटर। इसके अलावा हमने इसका जो अपर बॉडी है पूरी तरीके से रैप करा है, दिस इज इन अ प्रॉपर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश बाय एवरी डेनेशन, विच इज़ द प्रो, द नंबर वन कंपनी टूडे इन रैपिंग। दोस्तों हम खाली बस एक्सेसरीज ही नहीं डालते, वी बेसिकली कस्टमाइज योर कार एज पर योर नीड एंड योर टेस्ट। तो हमने इसका जो अपर बॉडी रैप भी करा है, इट इज़ गिविंग अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अ क्लासी लुक इन द कार। मतलब एक 50 क्रेटा भी है तो हटके लुक देगा ही देगा। छोटे छोटे आइटम्स, क्रोम गार्निशेस पूरे डाले गए ऊपर नीचे सेंटर में हर जगह। पीछे के तरफ में सेम सामने बम्पर को ही एक थीम कंटिन्यू करते हुए, पीछे के तरफ में भी हमने सेम ABS क्वालिटी का डबल डिफ्यूज़र के साथ ब्लैक एंड रेड कॉम्बिनेशन में ये रेयर गार्ड डाला है। अगेन कपल ऑफ स्मॉल स्मॉल क्रोम आइटम्स, जैसा अगर आप इधर साइड से आके देखोगे, वी हैव गिवन अ वेरी क्लासी एंड अ वेरी सिंपल टेल लाइट क्रोम, सेंटर क्रोम, द डिक्की एच क्रोम, एंड ऑल्सो फाइनली द रिफ्लेक्टर लाइट क्रोम। सो दीज स्मॉल स्मॉल अपग्रेड्स नो डाउट आर मेकिंग द व्हीकल स्टैंड आउट एंड लुक वेरी क्लासी इन इट। इसके अलावा वन मोर स्मॉल थिंग आई वॉन्टेड यू गाइज टू सी आर दीज अमेजिंग सीट कवर्स जो हमने इसमें डाले हैं। आइए वहाँ पर से,
तो दोस्तों अगर आप ये गाड़ी के सीट कवर्स अगर देखोगे, इट इज़ द हॉटेस्ट सेलिंग एंड द बेस्ट इन क्लास सीट कवर्स जो आज तक आई हैव कम अक्रॉस। दिस इज़ द ली ड्राइव ब्रांड सीट कवर, 1.8 mm थिकनेस पॉलीयुरेथीन है, सेंटर में पूरा वेंटिलेशन है, तो मैं जब भी इस पर रेस्ट करता हूँ आई कैन फील अ प्रॉपर एयर फ्लो इन इट। ये नया सेट है इसीलिए द सेंटर पोर्स यू कैन सी देर देर आर द लेदर कटिंग्स विच आर स्टिल देयर। दिस एक्चुअली प्रूव्स कि ये प्रॉपर होल्स एंड खाली पंच मार्क्स नहीं है। तो मैं जब इस पर रेस्ट करूँगा आई कैन फील अ प्रॉपर एयर फ्लो इन द सीट कवर्स। इसके अलावा इसका ये जो फिटिंग भी है आप देख सकते हो कैसा स्किन टाइट शेप में बैठा है। दिस इज़ कॉल्ड ओवियन फिटिंग, जो प्रॉपर आपको आपका जो बकेट शेप है वो बकेट शेप के उसमें आपको बिठा के एक अलग ही कम्फर्ट लेवल बढ़ा देता है। इसके अलावा हम इस गाड़ी के अंदर वी आर एक्चुअली रिमूविंग नाउ दिस कंपनी स्टॉक चीप मैट्स। हमने इसके अंदर ये पूरा फुल मैटिंग करा है जो आपको पूरा कारपेट एरिया कवर कर देगा। अभी आप देखो कैसा डस्ट वगैरह गिरा है मैं वो मैट हटाने से। अगर आपका कंपनी का कारपेट होता था तो आपको उसको क्लीन करने में नानी याद आ जाती थी लिटरली। हम जो ये मैट्स डाले हैं एनीथिंग फॉल्स ऑन इट गीले कपड़े से पोंछते ही नया हो जाएगा। एंड अबव दीज मैट्स मैं आपको बताता हूँ द काइंड ऑफ वॉशेबल फुट मैट्स हम इसके अंदर इंस्टॉल करने वाले हैं। सो दीज आर द लाइफ लॉन्ग लास्टिंग मैट्स जो इसके उधर यू नो फ्लोर एरिया पे इंस्टॉल होने वाला है। परफेक्ट बकेट शेप मैट्स है। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट सी द काइंड ऑफ फिटिंग इज भाई, खाली उधर जाना है एंड आपको उधर रख देना है। दैट्स इट, देर इज नो फिटिंग इन्वॉल्व इन इट, नथिंग एट ऑल। 100% वाटर प्रूफ रहेगा, कुछ भी मट्टी वगैरह गिरती है इट विल बी हियर ओनली। वेन एवर आई वॉन्ट आई कैन जस्ट सिंपली होल्ड इट फ्रॉम बोथ द साइड्स, रिमूव इट, डस्ट इट बैक एंड अगेन पुट इट इन अनदर कपल ऑफ सेकेंड्स, दैट्स इट। तो इसके अंदर जो हमने एक्सेसरीज डाले हैं इट इज़ नॉट ओनली एडिंग कन्वीनियंस, नॉट ओनली एडिंग लुक्स, नॉट ओनली एडिंग एन अमेजिंग साउंड इफेक्ट इन द कार दैट इज लग्जरी, बट ऑल्सो मेकिंग आउट मेकिंग श्योर दैट योर कार इज स्टैंडिंग आउट। सो दिस इज बेसिकली वॉट वी डू एट आर स्टोर। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा हमने किस अमेजिंग तरीके से इस गाड़ी को एक्सेसराइज करा है। इट इज़ नॉट ओनली एडिंग कन्वीनियंस इन योर डेली लाइफ by giving you amazing upgradations, but हमारा जो main motive है is to make your car stand out। भाई अगर मुझे basic गाड़ी को top end ही बनाना है तो मैं top end ही ले लूँगा ना, मैं basic लूँगा ही क्यों। मैं basic इसीलिए prefer करता हूँ क्योंकि हम गाड़ी को इस तरीके से बना सकते हैं कि आपका जो requirement है और आपका जो basic needs है वो हम इस गाड़ी के अंदर incorporate कर सकें। आपकी गाड़ी ऐसी बनाएंगे कि भाई रोड पे निकलेगी तो कोई बोलेगा कि जी हाँ वो आपकी ही गाड़ी है। सो दैट इज़ द काइंड ऑफ अपग्रेडेशन आई बिलीव इन एंड आई डिलीवर। तो दोस्तों अभी हम हैं प्रवीण भाई के साथ, द ओनर ऑफ दिस क्रेटा एस वेरिएंट जो आए हैं हमारे पास करीमनगर से, एंड अब हम जानेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा था एट कारसोनिक्स। भाई ఇది నేను తీసుకున్నది ఎస్ వేరియంట్ అండి, చాలా బాగుంది. నేను ఒకటి అనుకున్నా, నేను అనుకున్న దానికంటే నేను ఇక్కడికి వచ్చి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసింది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది అండ్ ఐఎమ్ వెరీ సాటిస్ఫై విత్ దిస్. ఒకటి ఆ రూపు గురించి నాకు ఒకటి చిన్నగా చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు నేను అనుకున్నా, కాకపోతే నాకంటే నేను అనుకున్న దానికంటే అవుట్ ఇంకా ఎక్కువ వచ్చింది. అండ్ ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ఫర్ దిస్ సోనిక్స్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ భయ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. దోస్తో ఆప్నే దేఖా కిస్ అమేజింగ్ తరీకే సే హమ్నే ये कार को एक्सेसराइज करा है। आपको अगर पसंद आया हो तो येस डू नॉट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शो सम लव टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।